जयेंद्र वंदे मातरम। देखिए एक बात तय है कि भैया पूजा पाठ में बहुत ताकत होती है, और अगर आप इस बात को अभी भी नहीं मान रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आरसीबी के सामने मुंबई ने कल जैसा खेला है उस मैच को देखना चाहिए, और स्पेशली आपको देखनी चाहिए उसमें हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस। इसके ठीक पहले हार्दिक पांड्या ने अपने घर में कीर्तन रखवाया था जिसका कि वीडियो भी सोशल मीडिया पर खासा वायरल हुआ था, एंड इसके बाद ये सभी लोग सिद्धिविनायक मंदिर भी गए थे। तो ये वीडियोस सामने आने के बाद में कई लोग बोलने लगे थे कि यार ये तो सब पीआर स्ट्रेटेजी है, लोगों के दिलों में जगह बनाने का तरीका है। पर देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या की मुंबई मैच जीती है ना, उसके बाद तो अगर किसी को भगवान में श्रद्धा नहीं भी है तो भी जगह लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कमबैक अगर आपको चाहिए अपनी लाइफ में तो यार ठीक है ना, अच्छी बात है, भक्ति का रास्ता कोई बुरा रास्ता नहीं होता है। जोक्स अपार्ट, कल के मैच में मुंबई ने जिस तरीके से चीर फाड़ रौंद कर आरसीबी को हराया है, यहां पर दो चीजें कंफर्म हुई। पहली कि आईपीएल में अब मुंबई बनी हुई है, दूसरी कि आरसीबी की उम्मीदें ऑलमोस्ट अब नेग्लिजिबल हो चुकी हैं कि वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आरसीबी की टीम को एटलीस्ट अब इस टूर्नामेंट को एंजॉय करना शुरू कर देना चाहिए, और उनको इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उनकी टीम अब मतलब क्या कैसी परफॉर्म कर रही है क्या नहीं कर रही है, बल्कि अब हर एक प्लेयर को एंजॉय करना चाहिए, एक कलेक्टिव एफर्ट देना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट तक उनको कलेक्टिव एफर्ट दे देना चाहिए था, बट वो लोग कहीं ना कहीं उस चीज में बुरी तरह से फेल रहे, और उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में आरसीबी की ऐसी हालत है जिसको देखकर आपको लिटरली लगेगा कि आखिर इस टीम को देखकर हम लोग इतने एक्साइटेड क्यों होते हैं। मतलब सेकंड लास्ट पोजीशन इस समय अटेन करके रखी है बेंगलुरु ने, 6 मैच खेले हैं, 1 मैच जीता है, 5 मैच हारे हैं, 2 पॉइंट्स और -1.124 इनका नेट रन रेट है। कायदे से देखा जाए तो इस समय आईपीएल काफी ज्यादा ओपन है, बट स्टिल लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ आरसीबी, अगर इस टीम ने अच्छा खेला होता तो यह टूर्नामेंट और अच्छा हो सकता था। दरअसल के आईपीएल के पहले तक हर एक फैन को यही लगता है कि यार इस टीम में तो फाफ डुप्लेसिस जैसा बैट्समैन कैप्टन है, फिर विराट कोहली है, फिर मैक्सवेल है, बिग शो है, कैमरन ग्रीन है, मतलब एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है। लेकिन ये बातें सिर्फ कागज तक ही रह जाती हैं, जब बात एक्चुअल मैच में परफॉर्मेंस देने की आती है तब ये लोग कुछ कर नहीं पाते, इनके बैट्समैन रन नहीं बनाते हैं और इनके बॉलर इतने रन देने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि ये लोग पर्पल कैप के लिए नहीं बल्कि ऑरेंज कैप के लिए इनके बॉलर्स खेल रहे हैं। मतलब रनों के मामले में सिराज भाई की तो इस समय तुलना ही नहीं होनी चाहिए। मतलब मैच के बाद में मोहम्मद सिराज बिल्कुल बुमराह के सामने बिल्कुल बो डाउन करता हुआ दिखाई दिया, बहुत अच्छा जेस्चर था, लेकिन यहां पर समझना चाहिए कि भैया आप क्या मतलब आपकी आपकी टीम के प्रति भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है। खैर इन सब चीजों के बीच में सोशल मीडिया पर मीम्स का भंडार तो देखिए लग ही जाता है, उस बारे में हम लोग बात करते ही हैं। और ये जो मीम्स हैं, ये मीम्स दरअसल एक टीम की सिचुएशन को भी बताते हैं कि भाई एक टीम जो है वो किस तरीके से खेल रही है, किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस है, फैंस उस टीम को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है इस पूरी चीज का। क्योंकि देखिए आप अपनी टीम के लिहाज से जो चीजें खेलते हैं जब देखते हैं इन चीजों को, तब आपको लगता है कि नहीं सब चीजें ठीक है, बट कहीं ना कहीं फैंस चीजों को नहीं भूलते यार, साल दर साल चीजें चलती जाती हैं और ऐसा लगता है कि जो पॉसिबल चेंजेस होने भी चाहिए थे वो भी ऐसा लगता है कि कोई शायद है जो कि पीठ पीछे बैठकर चाहता है कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए और इन फैंस को तो ऐसे ही तड़पाओ, मतलब एटलीस्ट मुझको तो ऐसे ही लगता है, वरना भाई किसको बुरा लगेगा यार मैच जीतना, मेरे को ये चीज समझ भी नहीं आती। तो चलिए थोड़े से मीम्स की तरफ नजर डाल लेते हैं और समझते हैं कि भाई मीम्स आखिर कैसे क्या आ रहे हैं, क्योंकि मीम्स वाकई में बहुत ज्यादा शानदार है। तो ये सबसे पहले आप देखिए रन मशीन अदर टीम्स, मतलब हर टीम में आपको एक बैट्समैन रन बनाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहां पर एक विराट कोहली है और बाकी के इनके बॉलर्स हैं जो कि आरसीबी के लिए रन बनाने का काम करते हैं। यहां देखिए विराट बेटा तुम एक बार बोलो हार्दिक को अभी हटा के तुमको कैप्टन बना दूंगी, मतलब इसी तरह की कुछ बातें चल रही होंगी। खैर आरसीबी को लेकर अपनी पूरी निष्ठा विराट कोहली बता चुके हैं, चाहे हार हो चाहे जीत हो क्या ही बोले। प्लस आरसीबी को लेकर, आरसीबी के फैंस को लेकर विराट कोहली ने की बात ये भी बात कही थी कि अगर आप आरसीबी के फैन है तो आपको मेंटली अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है आरसीबी के फैंस तो शायद बाहर किसी को जाकर बताते भी नहीं होंगे कि भैया हम आरसीबी के फैन। यहां क्या चल रहा है भैया, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, सीएसके, एसआरएच, केकेआर फैंस ट्रॉफी को किस कर रहे हैं और आरसीबी के फैन क्या कर रहे हैं भैया, कोहली के पास ऑरेंज कैप है, कोहली ने 973 रन बनाया, कोहली क्यूट मोमेंट्स, 49 का रिकॉर्ड, एबीडी के एडिट वीडियोस, कोहली का एग्रेशन, मतलब कौन किसके साथ खेल रहा है अब आप खुद देख सकते हैं। नारायण को फॉर्म लेना है, फॉर्म में लाना है, बटलर को फॉर्म में लाना है, सूर्या को फॉर्म में लाना है, आरसीबी बॉलर बोलते हैं आ जाओ करवा दूंगा,
मतलब आपके सामने अगर हर कोई परफॉर्म करके चला जाता है, कल के मैच में सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से पकड़ के पेला है ना इन लोगों को, मतलब बंदा बोल के मार रहा था कि हाँ वहां मारूंगा मैं, ये इन लोगों की हालत थी। दिनेश कार्तिक ने अगर 50 नहीं मारी होती ना भाई आरसीबी की तरफ से, तो इतना गंदा मैच हार रहे थे ना कल ये लोग, इतना गंदा हार रहे थे। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बॉल्स स्पेयर रहते कोई मैच खत्म होने का रिकॉर्ड होता ना, तो वो भी शायद बन गया होता। तो आप भाई कह रहे हैं आप समझ में आ रहा है कि कोहली ने कप्तानी क्यों छोड़ी थी। भाई कोहली ने कप्तानी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उतियों की कमी नहीं है ना टीम में। तुम लोग कम रन बनाते ही क्यों, सही बात है, तुम लोग कम रन क्यों बनाते हो भाई, हमारा काम तो देना है, हम तो देंगे, गलती किसी और की नहीं है। बैठे ऊपर किंग सिराज, धीरे धीरे पूजा पाठ का इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है। अरे वाह ये बात तो खैर सही है। If Glenn Maxwell wants to leave RCB and go into the mega auction, there are other ways to express. बिल्कुल, अगर आप इस समय गेम देखेंगे ग्लेन मैक्सवेल का, तो आपको लिटरली ये चीज फील होगी कि यार ये बंदा आखिर जा क्या रहा है, क्या इसको पेमेंट वेमेंट नहीं मिल रही है क्या, पिछले कुछ सालों की पेमेंट भी अभी तक रोक के रखी हुई है, जो इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब एक होता है कि चलो ठीक है आप खेल नहीं पा रहे हो, और एक होता है कि आप ऐसा खेल रहे हो इसको देख कर लग रहा है कि आप खेलना चाहते ही नहीं हो। और मैक्सवेल ना उस वाली सिचुएशन में जाता जा रहा है, और लिटरली यही डाउट इस समय फैंस के माइंड में भी क्रिएट हो रहा है कि भाई ये चाह क्या रहा है बंदा। समझा कर भाई, इंडिया मेरी ससुराल है और ससुराल में दामाद कोई काम का नहीं, कोई काम नहीं करता, भाई तो बोल देना भाई तेरे को नहीं करना, कम से कम विराट कोहली का कंफ्यूजन दूर हो जाए कि भाई वो तेरे से उम्मीद पाल कर बैठा हुआ है। स्टॉपिंग बू फॉर हार्दिक पांड्या, स्टॉपिंग बू फॉर गंभीर एंड नवीन, नहीं नवीन के लिए तो रोकी थी भाई, गंभीर का मुझे याद नहीं पर नवीन के लिए तो रोकी थी। कल के मैच में दरअसल ये सिनेरियो हुआ, ये वाला ट्वीट देखिए आप समझ में आएगा। विराट कोहली वॉज अपसेट विद द क्राउड व्हेन दे बू एट हार्दिक पांड्या, ही आस्क्ड द क्राउड टू स्टॉप एंड दे रिप्लाइड विद हार्दिक चैंट्स, ओनली हार्टलेस पर्सन कैन हेट दिस मैन। दरअसल कुछ सिनेरियो यूं हुआ था कि हार्दिक पांड्या जब एंटर किए ग्राउंड में, तब बू करने लगी वहां की पब्लिक, हालांकि ब्रॉडकास्टर ने उसको बिल्कुल साइलेंट कर दिया था, बट जो एक्चुअल फुटेजेस जो ग्राउंड के निकलकर सामने आया उसमें ये चीज समझ में आ रही थी। अब उस पॉइंट पर विराट कोहली वहां पर फील्डिंग कर रहे थे, फिर उन्होंने क्राउड को शांत किया, उनको बोला कि यार वो भी इंडिया के लिए खेलता है, और इस तरीके से सिर्फ एक खिलाड़ी की अपील के ऊपर वो सारी चीजें बदल गई जो इससे पहले तक हो नहीं पा रही। अब भाई इसको लेकर सबका अपना अपना ओपिनियन है। ग्लेन मैक्सवेल फॉर कंट्री, ग्लेन मैक्सवेल फॉर फ्रेंचाइजी, कंट्री क्या बोल दो अब फैंस, 200 तो रिफंड कर लोगे ना आरसी वालों, इसकी गारंटी नहीं दे सकता मैं, ना मेरी स्ट्राइक रेट खराब है ना बाकी बल्लेबाज, ये बॉलर ही साले चुट मारी कुछ भी लिख देते हैं, मतलब हद होती है। मैं जो क्या मतलब, सारी बॉल मैं खाता था इसलिए कोई खेल नहीं रहा था। पिच व्हेन अदर टीम्स बैट, पिच व्हेन आरसी बैट्स, हाँ भाई पिच स्लो है, सही बात है, आज के मैच में वही देखा पिच स्लो है। आज के मैच में दरअसल जो कल मैच हुआ रात में उसमें ड्यू बहुत ज्यादा आ गई थी, एक ये भी फैक्टर था, तो इसको ना भूले हम लोग तो ठीक रहेगा। विच टीम हैज द फियर्सेस्ट फैन बेस इन टाटा आईपीएल, अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि ये सवाल पूछा गया था आईपीएल के मैच में जो एमआई और आरसीबी के बीच में चल रहा था, और यहां पर वोटिंग गई है सबसे ज्यादा सीएसके के लिए, 51% सीएसके के लिए, सबसे ज्यादा खतरनाक फैन बेस किसका, ये सवाल था। संजय मांजरेकर ने कहा कि जब कुछ दिनों पहले मैंने बिहेव कहकर पब्लिक को समझाने की कोशिश करी थी तो लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे ये बोलकर कि फैंस को जो बोलना है बोलने, तो ये उनका राइट है, और आज की तारीख में जब कोहली ने ऐसा बोला है तो सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, मतलब मैं बोलूं तो बोलूं, क्या करूं तो करूं, क्या जाऊं तो जाऊं का, ये मांजरेकर साहब का आज के इस मैच के बाद में कहना था। ये वही ट्वीट है, विराट कोहली वॉज अपसेट, क्या बोलो भाई। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो आज के मैच में बनता हुआ दिखाई दिया, काफी अच्छे मूवमेंट्स भी आए, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं मतलब खत्म हो चुका है यार, अब आरसीबी के लिए जो है ये सीजन अब खत्म हो चुका है, अब देखते हैं कि इनका अगले सीजन में क्या हाल होगा। फिलहाल के लिए तो खत्म है ये लोग, मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही, जय हिंद जय भारत।